प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे सबक नंबर 3, धाते और अधाते, जिसे गैर धाते भी कहा जाता है। आज इसका हिस्सा 7 हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने धातों के बारे में और अधातों के बारे में काफ़ी कुछ मालूमात हासिल कर ली और काफ़ी कुछ बहुत सारी चीज़ें हमें वाज़े तौर पर हो गई। एक मरतबा उससे फिर से देखना ज़रूरी है ताकि आपका यादा हो जाए और आपको अच्छे से सब ज़हन नशीन हो जाए। हमने बताया था धातु की तबई खसूसियात, कहाँ पाई जाती है, किस हालत में दस्तियाब होती है। उसके बाद हमने देखा अधातों की तबई खसूसियात, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि दोनों की तबई खसूसियात क्या है, धातों की भी और अधातों की भी। उसके बाद आता है कि हम लोगों ने धातों की कीमियाई खसूसियात भी पढ़े थे, जिसके हमने अलग अलग तरीके से धातों के बारे में जाना था कि वो कैसा किसके साथ तामुल करती है। तो हमने देखा था कि धातें जो है वो जब हवा में जलती है तो उसका तामुल हवा के साथ कैसा होता है, फिर जब वो पानी के साथ तामुल करती है तो उसका तामुल किस तरीके का होता है, तेज़ाब के साथ तामुल करती है, नमक के साथ। तो अलग अलग तामुलात के साथ धातें जो है अपना अलग अलग किरदार अदा करती है और अलग अलग उनकी खसूसियात होती है। हमने देखा था उनकी कीमियावी खसूसियात में कि जब वो हवा के अंदर चलती है तो ज़्यादातर हवा में वो ऑक्सीजन से तामुल करती है, और जब वो ऑक्सीजन से तामुल करती है तो वो धात से ऑक्साइड में तब्दील हो जाती है, यानी वो अपना ऑक्साइड बनाती है। और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, यानी तामुल करने के बाद जो धातु ऑक्साइड बनाती है, उनकी जो फितरत होती है, फितरत समझते हैं आप लोग, जैसे हर इंसान के अंदर की कोई ना कोई फितरत रहती है, एक अच्छी होती है एक बुरी होती है, तो ऐसे ही इनके अंदर जो कुदरती तौर पर फितरत होती है धातु की, कि जब वो ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है तो तामुल करने के बाद वो असासी यानी बेस की फितरत में तब्दील हो जाती है, और ये पानी में हल होकर असासी यानी हाइड्रोक्साइड बना। पहले जब ये हवा से तामुल करती है तो ऑक्सीजन की साथ तामुल करती है, और ऑक्सीजन के साथ तामुल बनकर कर ऑक्साइड बनाती है, और फिर वो ऑक्साइड जब असास फितरत का होता है तो उसे पानी में हल किया जाता है, तो हल करने पर वो ऑक्साइड से हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि सोडियम की मिसाल देखे थे हमने, पोटाशियम की और जिंक की। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है तो सोडियम ऑक्साइड होती है, पोटाशियम जब ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है तो पोटाशियम ऑक्साइड होता है, जिंक इसी तरीके से धातु ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है तो जिंक ऑक्साइड होता है। लेकिन जब ये ऑक्साइड बन जाने के बाद इनकी फितरत असासी हो जाती है, और असासी फितरत के बाद जब ये पानी के साथ तामुल करते हैं तो ये पानी में घुल जाते हैं, तो जब ये पानी के साथ तामुल करेंगे तो इनका तामुल कैसा होगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड तो था ही लेकिन उसके अंदर हाइड्रो यानी पानी शामिल हो रहा है, तो सोडियम था, ऑक्सीजन के साथ तामुल हुआ तो सोडियम ऑक्साइड हुआ। अब जब सोडियम ऑक्साइड बेस फितरत का हो गया, उसके साथ पानी का तामुल किया गया, तो पानी के तामुल में वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में तब्दील हो गया। इसी तरीके से पहले पोटाशियम था, ऑक्सीजन के साथ तामुल करके पोटाशियम ऑक्साइड बना, और जब उसके असास यानी बेसी फितरत को पानी के साथ तामुल में लाया गया तो पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड में तब्दील हो गया। इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड, जिंक था, जिंक से वो ऑक्सीजन के साथ तामुल करके हवा में तामुल करके जिंक ऑक्साइड बना, फिर उसी ऑक्साइड को पानी के साथ जब तामुल करवाया तो वो जिंक हाइड्रो ऑक्साइड में तब्दील हो गया। तो इस तरीके से धातु जब कीमियावी तामुल करती है तो हवा में ऑक्सीजन के साथ ताल्लुक करती है, ताल्लुक में आकर तामुल करती है, तामुल करने के बाद वो असासी फितरत की हो जाती है, और असासी फितरत की होने के बाद जब ये पानी से तामुल करती है तो ये हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद कुछ धातें हैं जो पानी के साथ अमल में आती है, जैसे कि हमने पढ़ा ऊपर के धातें पानी के साथ अमल करके अपना खुद का हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है, तो उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। हवा और पानी दोनों के साथ तामुल होने के बाद उसमें से जो गैस खारिज होंगी वो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, और धातें खुद अपना हाइड्रो ऑक्साइड पानी के साथ घुलकर खुद का ऑक्साइड बनाती है, यानी इसका तामुल। अब जैसे कि कीमियावी तामुल होना, यानी क्या कि एक
एक धात यानी एक कोई भी केमिकल को जब हम किसी दूसरे केमिकल के साथ ताल्लुक में लाते हैं, उसका तामुल करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ नया ही देखने के लिए मिलता है। तो इसी तरीके से एक धात है जैसे कि सोडियम हो या पोटाशियम हो या जिंक हो, तो वो अपना खुद का जब तामुल ऑक्सीजन के साथ करती है और जब वो ऑक्सीजन के साथ किए गए तामुल को पानी के साथ तामुल में लाती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली तो आएंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम खाना बनाते हैं कुछ भी, तो हम मुकम्मल खाना बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को अगर कोई सालन बनाना होता है तो उसके अंदर हम बाकायदा से सारे मसाले डालेंगे। तो पहले उसकी कैफियत क्या थी, पहले वो किस तरीके से था और जब उसकी कैफियत कब बदली, जब उसके अंदर हमने तमाम मसाले डाल दिए, तमाम मसाले जब उसमें घुल गए तो हमने उसको जो है वो गैस पर रख दिया पकाने के लिए, तो उसके अंदर क्या शामिल हो गई, हरारत भी शामिल हो गई। और जब उसमें हरारत शामिल हुई तो क्या हुआ कि उसके अंदर मुकम्मल तौर पर जो है तब्दीली आना शुरू हो गई। तो तब्दीली आई तो हमें क्या दिखाई दिया कि उसका पूरा रंग बदल गया और उसके अंदर से भाप जो उड़ रही है, उसके अंदर कई तरीके की मसालों की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है। हम जब देगची में देखते हैं तो उसमें पूरा रंग बदला हुआ रहता है। तो ये क्या है, यानी कई चीज़ों के तामुला से कोई नई चीज़ों का अमल होता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए मिलती है केमिकल के रिएक्शंस में। अब उसके बाद हमने देखा था के सिलसिले आमिलियत यानी धातु की आमिलियत का सिलसिला। तो मैंने आपको बताया था कि धातु की आमिलियत के सिलसिले को घटती हुई तरतीब में जाहिर किया जाता है। अब घटती हुई तरतीब यानी सबसे कम तामुल कौन करता है, फिर उससे थोड़ा तामुल ज़्यादा करने वाला, फिर थोड़ा ज़्यादा करने वाला, फिर और फिर सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा तामुल करता है वो, तो हमने उसको नीचे से ऊपर यानी उतरती तरतीब में रखा है। जैसे एक दो हम ऐसा चढ़ती तरतीब, लेकिन जैसे हमने रखा 10, 9, 8, 5 इस तरीके से। तो ये है सबसे कम तामुल करने वाला जो है सोना, सिल्वर, पारा, कॉपर, हाइड्रोजन, लीड। उसके बाद सबसे ज़्यादा तामुल जो करता है पानी के साथ भी, हवा के साथ भी, गैस के, हर एक के साथ वो बिल्कुल मिलजुल कर रहता है, तो वो एक ऐसी धातें हैं, वो है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये चार धातें ऐसी है जो बराबर सबके साथ तामुलात करती है। ये ऐसा कोई मादा नहीं है जिसके साथ ये तामुलात नहीं करती है। अब सवाल था कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, ज़रा हम सवालात पे भी गौर कर लेंगे। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है कि सोडियम जो है एक मुतामिल यानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर तामुल करने की ताकत और कुव्वत होती है। तो अगर हम उसे ऐसे ही कमरे के दर्जे हरारत में खुला छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, अब जब हम उसे कमरे के दर्जे हरारत पर खुला छोड़ देते हैं तो एक कटोरी एक प्याले में जिसे हमने रखा रहता है, अब हमारे आसपास के कमरे रूम के टेम्परेचर में बहुत सारी गैसें मौजूद है, तो वो गैसें जब उस सोडियम के साथ तामुल करती है तो सोडियम उसके साथ तामुल करने लग जाता है और कुछ नई शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो उसे हम खुला नहीं छोड़ सकते हवा में। तो उसके तामुल को रोकने के लिए जो है उसे सोडियम को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है, ताकि केरोसिन के अंदर कोई भी जो हवा है, जो गैसी मादे, वो दाखिल नहीं हो सकते। केरोसिन में ऐसी आमिलियत होती है, तो इसीलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है कि वो कमरे के दर्जे हरारत पर अपना ऑक्साइड ना बना ले। जैसे ये मैंने सिलसिले आमिलियत में बताया कि सबसे ज़्यादा तामुल करने वाली यानी किसी के साथ भी तामुल करने वाली धातें जो है वो है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये चार पाँच धातें ऐसी है जो आराम से किसी के भी साथ तामुल कर सकती है, तो इसलिए इनकी हिफाजत की जाती है। दूसरा सवाल था कि तामुलात की कीमियावी मसावात लिखे, कैल्शियम और पोटाशियम का पानी के साथ तामुल। तो कैल्शियम और पोटाशियम का पानी के साथ तामुल कब हुआ, उसकी मसावात किस तरीके से लिखेंगे। देखो यहाँ लिखा है 3Fe। अब Fe किसका जाप्ता है, हमें जाप्ते याद होंगे तो हम लिखेंगे Fe आयरन का जाप्ता है। ये S जो है इस कॉस में लिखा हुआ, ये सॉलिड यानी कि ये जो है ठोस हालत में है, उसके अंदर 4H2O यानी इतनी मिकदार के अंदर उसमें गैस यानी के जो है H2O क्या है हमारा हाइड्रोजन मिलाया गया, और जब दोनों का यानी कि आयरन का और हाइड्रोजन का तामुल हुआ, यानी यहाँ पर ये देखेंगे हाइड्रोजन का और इसका जब तामुल हुआ तो ये Fe3 यानी ये Fe3O4 एस सॉलिड की शक्ल में बना। अब Fe3 क्या है हमारा, किसका जाप्ता है, Fe, तो हमारा आयरन का जाप्ता है, और आयरन के साथ साथ क्या बना, उसके साथ 4H यानी
आयरन भी हमें मिल गया यानी कैल्शियम और पोटाशियम के साथ पानी में तामुल हुआ तो हमें आयरन हासिल हुआ और वो भी ठोस हालत में हासिल हुआ और गैसी हालत के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस खारिज हो जाती है। तो इसी तरीके से बाज मसावात भी यहाँ पर दी गई है। अब उसके बाद आता है कि हम लोगों को क्या करना है कि गुजराती के कुछ यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं वो भी याद रखना है। जैसे मैंने कहा था कि धातु की हुसूल यानी धातु को किस तरह हासिल किया जाता है तो उसे गुजराती में कहते हैं धातुओं की प्राप्ति। और उसके बाद जो सिलसिले आमिलियत था तो सिलसिले आमिलियत को यहाँ पर जो है एक तरीके का बताया गया है कि किस तरीके से धातें हासिल होती है। तो यहाँ पर दिया गया है सक्रियता की श्रेणी। तो सक्रियता की श्रेणी यानी किस तरीके से इसको ऊपर से नीचे नीचे की ऊपर में तरतीब में रखा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट था जो आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया। इतना समझिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनली मैसेज करके सवालात पूछ सकते हैं और बराए मेहरबानी नोटबुक मुकम्मल करेंगे और जो यूनिट टेस्ट आ रही है फोर्थ उसकी पढ़ाई करेंगे और अच्छे मार्क्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए, आपकी नोटबुकें कम्प्लीट होंगी तो आपको सारी चीज़ें बआसानी मिल जाएंगी। और जूम मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन होने की कोशिश करें। तमाम बच्चों के लिए जूम मीटिंग ली जाती है ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो, लेकिन आप लोग उसमें जॉइंट्स नहीं होते। और वीडियो भी आप लोगों को मुकम्मल देखनी है। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।